माता ने तुमको कान पकड़ के चाटा नहीं मारा होगा। ये क्या हो गया? वर्णन व्यवस्था का खंडन करोगे तो तुम्हारे माता पिता। दोस्तों इस व्यक्ति को तो आप जानते होंगे, दरअसल इनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। खैर मैं इनके नाम पर भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह व्यक्ति हमेशा द्वेष, क्रोध और एक दूसरे को बांटने की प्रवृत्ति से भरा हुआ है। यह धर्म के आवरण में लिपट कर हमेशा भारतीय संविधान की तोहिन करता रहता है। दोस्तों यह व्यक्ति कह रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता ने उसे बचपन में चाटा नहीं मारा होगा, वरना वह इस तरह का अनर्गल बातें नहीं करता। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर ये काफी चिढ़े हुए हैं। अब वो बयान क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम आते हैं इनके नाम पर। दोस्तों इनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। अब जगत का गुरु का मतलब होता है कि जो जगत में सबसे ज्ञानी हो, जो जगत को ज्ञान देता फिरे, जिसके इतना ज्ञानी जगत में कोई भी ना हो। अब बताओ क्या इनके इतना ज्ञानी कोई नहीं है? इनके इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई इस जगत में नहीं है? खैर ये भारत है और भारत में इनके ज्ञान से शायद 20% लोग सहमत होंगे, वो भी नहीं होंगे, फिर भी ये खुद को जगत का गुरु मान रखे हैं। जैसे मैंने पढ़ा था ना कि वीर सावरकर, बताया जाता है कि सावरकर ने खुद ही अपने नाम के आगे वीर लगा रखा था, वो हाल इन लोगों का है। दोस्तों हम सभी को पता है कि पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था खत्म कर सभी सनातनी को एक होना चाहिए और दलितों को भी पुजारी बनाया जाना चाहिए, इस पर शंकराचार्य लोगों को विचार करना चाहिए। हिंदुओं के लिए आगे आएंगे, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें विचारों की क्रांति खड़ी करना, इसलिए जात पात और भेदभाव को जड़ से मिटाना है, हमको भारत भव्य बनाना है। हमें लोगों के अंदर जात पात के जहर को निकाल कर हम सब हिंदू एक हैं, इस विचार को बढ़ाना है। फिर क्या, जन्म से जाति का समर्थन करने वाले इस महाशय को तकलीफ हो गई और इन्होंने तुरंत इशारों में धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की बातें कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही थी, फिर उनको मैंने डांट फटकार लगाई, तब से वह चुप है, अब यह इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। तुम्हारी माता ने तुमको कान पकड़ के चाटा नहीं मारा होगा, मोहन भागवत जी से हमने कहा था उसके बाद वो चुप रहे, हमने कहा था दैवियों से आप ब्राह्मण को उत्पन्न हो, वर्णन व्यवस्था का खंडन करोगे तो तुम्हारे माता पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे नाम पर रोएंगे, तुमको पोसेंगे, तुमको नष्ट कर देंगे। अब आप ही सोचो कि क्या जाति व्यवस्था खत्म कर, वर्ण व्यवस्था खत्म करके, उच्च नीच की व्यवस्था खत्म करके सभी सनातनी को एक करना, क्या यह नरगल बातें हैं? और जाति व्यवस्था बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था बनाकर हिंदू धर्म के लोगों को बांटना और धर्म के नाम पर एक विशेष जाति के पेट का पालन पोषण करना, क्या यह सही है? अब आप ही कल्पना करके बताओ। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए और ये जो सनातन धर्म में जो लोगों के बीच में ऊंच नीच की भावना है इसे भी खत्म होना चाहिए और सभी सनातनी को एक होना चाहिए, और इस तरह की बातें पिछले दिनों कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कह दिया था कि जाति भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई थी और इसे खत्म होना चाहिए और सभी को एक होना चाहिए। यानी इन लोगों ने गलत कहा, अनर्गल बातें कही और ये महाशय कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, ऊंच नीच की व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि एक विशेष जाति के लोगों का धर्म के नाम पर पेट पलता रहे, यानी कि सही कह रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो शायद योगी आदित्यनाथ की जो एक मिशन था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो भैया इस तरह से हिंदू धर्म के लोग कभी एक नहीं हो सकते, समझ रहे? और इस जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्मों में भी नहीं एक हो सकते।